हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेको फमदान। फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो में हम बात करते हैं लिब्रे ऑफिस के बारे में। तो फ्री हम लिब्रे ऑफिस को कैसे यूज़ करें, उसको डाउनलोड कैसे करें, कहाँ से करें, और इस इंस्टॉलेशन एंड उसका यूज़, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लिब्रे ऑफिस जो है फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट फाउंडेशन का प्रोडक्ट है, जैसे कि हमारा एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट का है। फ़र्क दोनों में ये है कि लिब्रे ऑफिस बिल्कुल फ्री है, आप कभी भी कहीं भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं उसको। जबकि हम एमएस ऑफिस यूज करने के लिए हमें 4 से 5 हज़ार खर्च करना होता है, पे करना होता है। तो फ्रेंड चलिए सबसे पहले लिब्रे ऑफिस को हम डाउनलोड करते हैं। उसके लिए हमारे सिस्टम पे, हमारे पीसी पे इंटरनेट होना चाहिए। हमने इंटरनेट कनेक्ट कर लिया है अपना। अब हम ब्राउज़र ओपन करते हैं। यहाँ लिब्रे ऑफिस की ऑफिशियल साइट है, उसको टाइप करेंगे libreoffice.org। एंटर किया हमने तो हमारे सामने ये उसकी ऑफिशियल साइट ओपन होकर आ गई। या फिर हम गूगल के थ्रू भी जा सकते हैं। गूगल ओपन किया, गूगल सर्च में हमने लिखा लिब्रे ऑफिस डाउनलोड, और यहाँ पर हमें लिब्रे ऑफिस की साइट मिल जाएगी। इस पर क्लिक किया तो अभी हम यहाँ पर लिब्रे ऑफिस की ऑफिशियल साइट पर पहुँच गए। साइट ओपन के होने के बाद उसकी सेकंड ऑप्शन जो हमें आ रहा है हमारे सामने डाउनलोड का, उस पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करते ही हमें फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड लिब्रे ऑफिस। तो इस पर क्लिक किया हमने। अब ये हमारे सामने लिब्रे ऑफिस का 7.5 वर्जन, लेटेस्ट वर्जन है जो कि वो सामने है हमारे। अब यहाँ पर हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करेंगे। तो पहले अपने पीसी का ऑपरेटिंग सिस्टम चेक कर लेते हैं। दिस पीसी पे आए हम, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, और हम यहाँ देख पा रहे हैं हमारा 64-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो 10 है। अब यहाँ हम अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। तो लास्ट में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर विंडो 64-बिट। ये ऑप्शन हमको अपने पीसी के लिए सेलेक्ट करना है। अगर हमारे पास मैक है तो उसके लिए ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर हमारे पास लाइनेक्स है तो उसके लिए भी ऑप्शन है। कुल मिला के ये कि लिब्रे ऑफिस सारे प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। तो हमने विंडो 64 सेलेक्ट किया और यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक किया। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये हमारी .msi फाइल डाउनलोड होने लगी। तो ये अभी डाउनलोड होगी, 2-3 मिनट के अंदर हो जाती है डाउनलोड। मैंने इसको डाउनलोड पहले से कर रखा है, उस पे चलते हैं, इसको पॉज कर देते हैं। तो जब ये डाउनलोड हो जाएगी तो हमें यहाँ सोइन फोल्डर में जाके ये फाइल मिल जाएगी, लिब्रे ऑफिस 7.5 वर्जन विंडो के लिए। ये पैकेज फाइल हमें यहाँ पर दिख जाएगी डाउनलोड के अंदर। इस फाइल के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर, और इस पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। तो हमारी ये इंस्टॉलर सामने आ गई ओपन होके विंडोज की। प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल, सेटअप रन हो चुका है हमारा। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे सामने लिब्रे ऑफिस का इंस्टॉलेशन विजार्ड ओपन होके आ गया 7.5 का। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हमको दो ऑप्शन मिलेंगे, टिपिकल एंड कस्टम। टिपिकली हमारा कंप्लीट पैकेज के लिए, जिसके अंदर लिब्रे ऑफिस हो और हमारा पावर पॉइंट हो, स्केल स्प्रेडशीट हो, तो डेटा एक्सेस हो, कंप्लीटली पैकेज के लिए हम टिपिकल पे जाएंगे। अगर हमको कोई पर्टिकुलर उस पैकेज के अंदर से कोई पर्टिकुलर हमें वर्ड ही ओनली इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए या एक्सेल ही हमें करना है या फिर पावर पॉइंट ही करना है खाली, तो उसके लिए कस्टम पे जाएंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और बाकी चेक हटा देंगे। अगर हमको खाली एक्सेल करना है तो सब चेक हटा दिए हमने, एक्सेल पे रखा नहीं दिया, और नेक्स्ट करेंगे तो वो इंस्टॉल ओनली एक्सेल की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो हम बैक चलते हैं, हम कंप्लीट पैकेज करेंगे इंस्टॉल। टिपिकल पे क्लिक किया हमने और इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ चेक लगा रहने देंगे क्योंकि लिब्रे ऑफिस का शॉर्टकट हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पे
क्रिएट हो जाएगा उसके लिए है। फिर इंस्टॉल पे क्लिक किया, अब ये हमारी इंस्टॉलेशन शुरू हो गई 7.5 की। यहाँ सिस्टम परमिशन देगा, जब यस कर देंगे तो इस एप्लीकेशन को सिस्टम परमिशन दे देगा इंस्टॉल करने की। तो यस पे क्लिक किया हमने, तो ये हमारी इंस्टॉलेशन शुरू हो गई। ये भी 1-2 मिनट के अंदर हो जाता है इंस्टॉल, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें भी। फिफ्टी परसेंट से ऊपर कॉपी हो गई फाइल। रजिस्ट्री हो रही है फाइल की, यहाँ राइटिंग सिस्टम रजिस्ट्री वैल्यू रजिस्टरिंग फॉन्ट। इंस्टॉलेशन फाइनल स्टेज पे है लगभग। ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया, इंस्टॉलेशन विजार्ड कंप्लीट। अब हम फिनिश पे क्लिक करेंगे, ये फिनिश पे क्लिक कर दिया हमने। ये हमारा सेटअप फिनिश हो गया। अब हम डेस्कटॉप पे चलते हैं अपने। ये फ्रेंड्स हमारे स्क्रीन पे लिब्रे ऑफिस 7.5 का शॉर्टकट बन के आ गया। अब इसको ओपन करते हैं हम लिब्रे ऑफिस को। राइट क्लिक किया अपने सेटअप पे, सेटअप नहीं है सॉरी, ये इंस्टॉलेशन होने के बाद उसका शॉर्टकट बनाए। लिब्रे ऑफिस के शॉर्टकट पे राइट क्लिक किया हमने और इसको ओपन किया। ये हमारा लिब्रे ऑफिस ओपन हो रहा है। जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेगा। ये ओपन होके आ गया हमारे पास, हमारे सामने। तो लेफ्ट पे फ्रेंड देखेंगे हम राइटर डॉक्यूमेंट है, जैसे कि हमारा एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड होता है। ये हमारा स्प्रेडशीट है, जैसे कि हमारा एमएस ऑफिस में एक्सेल होता है। ये हमारा प्रेजेंटेशन है, जैसे कि एमएस ऑफिस में एमएस पावर पॉइंट होता है। ये हमारा ड्रॉ है, मैथ फॉर्मूला, और ये हमारा डेटाबेस है, जैसे कि हमारा एमएस ऑफिस में एमएस एक्सेस होता है। तो सारे फीचर हमें एमएस ऑफिस जैसे ही यहाँ पर मिल गए। इसमें क्या है, हम
हमने कुछ भी पे नहीं किया, विदाउट एनी पे हमने इसको डाउनलोड किया, इंस्टॉल कर लिया। जबकि हम एमएस ऑफिस को अगर हम डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है और वो हमें 4 से 5 हज़ार के बीच मिलता है। तो विदाउट एनी पे हम लिब्रे ऑफिस को इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं इसको। अब इसको ओपन करके देख लेते हैं। हम राइटर खोल लेते हैं। राइटर पे क्लिक किया हमने। ओके पे यहाँ क्लिक कर देंगे। फर्स्ट टाइम जब ओपन करेंगे तभी पूछेगा आपसे। ये हमारे सामने राइटर खुल के आ गया, जैसे कि हमारा एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड होता है। सारे फीचर उसी तरह आपको मिल जाएंगे। टॉप पे फाइल है, फाइल के अंदर होता है न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, सारे फीचर आपको उसी तरह मिलेंगे। एडिट भी मिलेगा आपको, व्यू मिलेगा, इंसर्ट मिलेगा, फॉर्मेट है, स्टाइल है, टेबल मिलेगी, टूल्स मिलेंगे, जैसे कि हमारा एमएस ऑफिस में मिलता है। इसको हम क्लोज करते हैं। दोबारा हम इसको ओपन करते हैं। अब हम देखते हैं, स्प्रेडशीट को ओपन करके देख लेते हैं। ये हमारी स्प्रेडशीट ओपन हो गई। जैसे कि हमारा एमएस ऑफिस में एमएस एक्सेल मिलता है, उसी तरह से यहाँ पे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, सारे फीचर आपको उसी तरह मिल जाएंगे। अब हम पावर पॉइंट और चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिब्रे ओपन किया। ओपन होने के बाद हम प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे। अब इसको ओपन किया तो हमसे पूछ रहा है, जो हम स्लाइड इंसर्ट करेंगे उसके टेम्पलेट हमें शो हो रहे हैं। यहाँ से डायरेक्टली सेलेक्ट भी कर सकते हैं हम। कोई भी हम टेम्पलेट उठा लिया हमने ये वाला और ओपन कर लिया, तो ये हमारे सामने एक टेम्पलेट बन के आ गया ऑलरेडी। आप ब्लैंक भी ले सकते हैं और इसको डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। उसी तरह एमएस ऑफिस, जैसे एमएस पावर पॉइंट में आप इंसर्ट, डिलीट, जितनी भी स्लाइड भी हो, सारा कुछ वही होता है जैसे कि हमारा एमएस ऑफिस में सारी चीज़ मिलती है हमको। तो स्टार्ट हम यहाँ स्लाइड शो भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे कि हम एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो करते हैं, सेम उसी तरह सारे फीचर आपको वही मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम विदाउट एनी पे लिब्रे ऑफिस को डाउनलोड कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।